अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ए बुक क्लास फोर। टुडे आवर टॉपिक इज पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग इसके फर्स्ट टू पार्ट हमने पढ़ लिए थे स्टार्टिंग में। अब हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट थर्ड लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। बच्चे एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। एट लास्ट टॉमी स्पोक, व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड। आखिरकार टॉमी ने उससे पूछा, बोला, Why did you walk backward? कि तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो। ठीक है, कि स्टोरी के स्टार्ट में जो टू लेक्चर्स थे हमने आपको पहले बता चुके हैं। एक जो करेक्टर है इसमें पीपी, उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर दो करेक्टर और हैं, वो टॉमी एंड अनिका है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने जैसे पढ़ा था कि टॉमी वॉक कर रही होती है और वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। अब इसमें जो दोनों बच्चे थे अनिका और टॉमी, वो उसको देख रहे थे कि वो पीछे की तरफ क्यों चल रही है। तो अचानक से टॉमी ने उससे बोला और उससे क्वेश्चन किया कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो, व्हाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स। तो वो जो पीपी है वो जवाब देती है, क्यों मैं पीछे की तरफ क्यों नहीं चल सकती। सेड पीपी, पीपी ने कहा, इजंट दिस इज अ फ्री कंट्री, क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है। कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वांट्स, क्या यहां पर हर कोई शख्स अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे। ठीक है, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताती चलूं कि इजिप्ट एक कंट्री का नेम है, उर्दू में से मिस्र कहते हैं। ठीक है, मिस्र ऐसा मुल्क है जहां पर एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे, जहां पर हर कोई अपनी मर्जी से चल सकता है, वॉक कर सकता है। एंड Nobody thinks it's the least bit strange. ठीक है, and nobody thinks, और इस बारे में कोई नहीं सोच सकता कि ये बहुत अजीब काम है या थोड़ा सा अजीब है, यानी कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। How do you know? Ask Tommy. Tommy ने उससे पूछा कि ये तुम कैसे ये जानती हो। You have never been to Egypt. तुमने तो कभी इजिप्ट जो मिस्र है देखा ही नहीं होगा। Have you? क्या तुमने देखा है? I have never been to Egypt. मैंने तो कभी इजिप्ट नहीं देखा, मिस्र नहीं देखा। Indeed I have. इसकी ज़रूरत है क्या हमें? दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, एक ऐसी चीज़ जिसके मैं तुम्हें यकीन दिलाते जाऊँ। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स, मैंने पूरी दुनिया के बारे में जाना। एंड सीन मैनी थिंग्स, और बहुत सी चीज़ें देखी। स्ट्रेंजर अजीब, देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड, के जहाँ पर लोग पीछे की तरफ चलते हैं। आई वंडर वट यू वुड हैव सर सैड, और मैं इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हुई। हैव सैड, और कहा, इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड, अगर मेरे बस में हो तो मैं जब चलना शुरू करूँ द वे दे डू इन फॉरथेस्ट एशिया, तो मैं वहाँ से चलते चलते उस जगह पर चली जाऊँ जो दूर एशिया का कंट्री है, यानी कि किसी दूसरी जो कंट्री है एशिया साइड पर, मैं वहाँ तक सफ़र करते हुए चली जाऊँ। नाउ यू मस्ट बी लाइंग, सैड टॉमी। टॉमी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। शी सैड सैडली, उसने बहुत उदास लहजे में कहा, आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। इट्स वीक टू लाई, सैड अनिका। ठीक है, अनिका ने जवाब दिया, ये तो उसने शरारतन में झूठ बोला होगा, यानी कि मजाक में झूठ कहा होगा। विक का मीनिंग होता है शरीर अंदाज में, शरारत से कुछ कहना। ठीक है, हु हैड एट लास्ट गैदर्ड अप इनफ करेज टू स्पीक, ये इसके लिए अनिका ने उसको हौसला देते हुए इसलिए कहा कि ये तो इसने मजाक में बोला है ताकि वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे से बात करते रहें। येस इट्स वेरी विक टू लाई, हाँ ये बिल्कुल शरारत का मजाक था, सेट पीपी, पीपी ने कहा। इवन मोर सैडली, बहुत ही उदास अंदाज में, बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, लेकिन मैं इसको भूल चुकी हूँ। एंड देन, और फिर, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ व्हेन माय मदर इज एन एंजल एंड माय फादर इज किंग ऑफ कैनिबल्स आइलैंड एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माय लाइफ। ठीक है, बट आई फॉरगेट, वो उसको कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन वो जो बच्चा टॉमी होता है वो उसे कहता है कि एंड हाउ
कैन यू एक्सपेक्ट, और तुम इस चीज़ की तवक्को कैसे कर सकती हो कि एक छोटा बच्चा लाइक मी, जैसे मैं हूँ, हमेशा सच ही बताएगा। जब व्हेन माय मदर इज़ एन एंजल, जबकि मेरी माँ एक फरिश्ते जैसी है, और एंड माय फादर इज़ किंग, और मेरे फादर जो हैं, जो मेरे वालिद हैं, वो बादशाह हैं ऑफ अ कैनिबल आइलैंड, एक ऐसे जजीरे के जहाँ पे दूसरे इंसानों को खाया जाता है। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में समुंदर का सफ़र किया है। समुंदर पर जो सेल कहते हैं कश्ती रानी को, यानी कि बड़े बड़े जहाज होते हैं समुंदर पर, उनका सफ़र करना। तो उस बच्चे ने बताया कि क्या टॉमी क्या कह रहा है कि मैंने तो हमेशा से मेरी सारी जिंदगी में तो मैंने समुंदर का सफ़र किया है कश्ती पर। देन पीपी स्माइल एंड कंटिन्यू, फिर क्या करती है, पीपी स्माइल देती है और अपनी बात को जारी रखती है। एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कोंगो देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। एंड लेट मी टेल यू, और मैं तुम्हें एक बात बताती जाऊँ, दैट इन द कोंगो एक ऐसी जगह है, देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, जहाँ पे एक शख्स भी ऐसा नहीं है हु टेल्स द ट्रूथ, जो कि सच बोलता हो। दे लाई आर डे अलोंग, वो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। अब सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, इसको बार बार सुने और समझें ताकि आपको ये याद हो जाए। टिल नेक्स्ट लेक्चर हम कल के लिए छोड़ देते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।